छोटा मरता छोटी पे, मोटा मरता मोटी पे। वैसे तो इंडिया में है बहुत से पोटियाँ, लेकिन इन्हें मरता ऑस्ट्रेलियन पोटी पे। जहाँ एक तरफ ऑस्ट्रेलिया इंडिया को पेल रही थी, वहीं अपने सलीम भाई ऑस्ट्रेलियन पोटी को पेलने की फितरत में थे। तो सलीम भाई, सबसे पहले तुम्हारे को कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू बड़े भाई। सलीम भाई, सबसे पहले तो ये बताओ, ये कारनामा कैसे करे? बड़े भाई देखो, सच्ची बोलूँ तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ था नहीं करने को, लेकिन जब मैं देखा कि ऑस्ट्रेलिया बहुत ही मार रही अपने को, तो मैं बोला मेरे से रहा नहीं गया बड़े भाई। सच्ची बोलूँ तो मैं बोला अब इनको कैसे हराना, बोलते हो पोटी को प्रपोज मार देंगे तो इन्हें अपने आप हार जाएंगे लोग शर्मिंदगी से। लेकिन ऐसा पूरे स्टेडियम में मार दिए, तुम्हारी फटी नहीं क्या सलीम भाई? हमारे को तो देख के डर लग रहा था इन्हें कैसा कर रहा कि कैसा नहीं। फटी? अरे बड़े भाई बहुत फटी। फटी बोले तो मेरी गांड फट के हाथ में आ गई, लेकिन तुम्हारा को तो मालूम ही चाहिए अपन नवा भी है। फटे तो फटे, नवा भी नक्को घटे। और सलमा बेगम, तुम्हारा क्या हाल था? मेरी भी फट गई जी, बहुत जोर से। सलीम भाई, जब नीचे बैठ के प्रपोज मारे तो तुम्हारे मन में तब इंस्टेंट क्या ख्याल आया? मैं बोली ना, क्या हौले पना कर रहा भाई, इसको अकल वक्कल है कि नहीं कुछ लोगों के सामने ऐसा कर रहा। तुम लोगों का प्रपोजल देख के मैक्सवेल बहुत खुश हुआ, ये कहीं को? अरे मैक्सवेल मेरे चिचा का लड़का है, उसको मालूम अब फोकट की बिरयानी खाने को मिलती, इसलिए खुश होगा उन्हें भी। चलो जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। तुम्हारे को सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बड़े भाई, शादी में जरूर आओ।